नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि बताते चले कि मथुरा के गोवर्धन में दीपावली से अगले दिन ब्रजवासियों तथा बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं तथा विदेशी श्रद्धालुओं ने गिरिराज महाराज का छप्पन भोग और अन्नकूट का महाप्रसाद लगाकर गोवर्धन पूजा की। इस मौके पर दसवीं सा ब्राह्मण समाज की ओर से तथा मुकुट मुखारविंद मंदिर के सहयोग से गोवर्धन के ब्रजवासियों ने गिरिराज महाराज की परिक्रमा की। सिर पर छप्पन भोग की डलियों को सजाकर महिलाएं पुरुष सभी नाचते गाते झूमते हुए गिरिराज महाराज की परिक्रमा करते हुए देखे गए। गिरिराज महाराज की पूजा के संबंध में बताया जाता है कि भगवान कृष्ण ने इंद्र की पूजा समाप्त तक कराकर ब्रज के आराध्य और स्वयं कृष्ण स्वरूप गिरिराज महाराज की ब्रजवासियों से पूजा कराई थी। तब से ही गोवर्धन पूजा का की यह परंपरा चली आ रही है, जिसमें देश विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु गोवर्धन पूजा करने पहुंचते हैं। ललितपुर लाइव टीवी के लिए मथुरा के गोवर्धन से शिव शंकर शर्मा की रिपोर्ट। बताएं क्या पर्व है जो इसमें इंद्र का मान मर्दन किया और किस तरीके से किया और कहाँ विशेषता के रूप से कहाँ मनाया जाता है यह पर्व? पौराणिक मान्यता के अनुसार कार्तिक शुद्धि प्रतिपदा के दिन ब्रज में इंद्रदेव की पूजा हुआ करती थी। तो यशोदा जी और बाबा नंद के यहाँ पर भगवान जिसकी तैयारी हो रही थी गोवर्धन पूजा में, तो इंद्र का ठाकुर जी ने कहा कि बाबा किसकी पूजा कर रहे हो? बोले भैया हम इंद्र की पूजा कर रहे हैं। बोले भाई बाबा इंद्र तुमने देखो है? बोले नहीं देखा भैया। बोले हमारे पूर्वज करके भाई चले आ रहे हैं, भाई साहब से हम पूज कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें तो ये गिरिराज बाबा दे रहा हूँ, तुम्हें तो ये गिरिराज बाबा पूजना चाहिए। अन्न धन हमारी गायन के कार्य चारा जो भी प्रकृति है, प्रकृति के ऊपर गिरिराज महाराज है, गिरिराज महाराज हमारा पालन पोषण कर रहे हैं, इसलिए हमको जीतते जागते हुए गिरिराज को पूजन करना चाहिए। फिर उसके बाद क्या हुआ? तो सभी लोग अपने अपने घरों से जो भी सामग्री बनी हुई थी सभी लोग लेके तरेटी में आ गए और तरेटी में गिरिराज महाराज के सामने उस सामग्री को भोग लगाया और कहा कि महाराज पाओ। तो इतना कहते ही गिरिराज महाराज ने जितनी भी सामग्री बनाई थी छप्पन भोग की सैकड़ों तन उसको आहार में ले लिया। तो एकदम ग्वाल बाल चिंतित हो गए कि भैया ऐसा देवता हमें ना चाहिए, हमें तो ऐसा देवता चाहिए जो हमारा पालन पोषण करे। तो उसी दौरान भगवान ने कही आँख बंद कर लो। तो भगवान के कहने से आँख बंद कर लिया ग्वाल बालों ने। तो वहाँ देखा कि सारी सामग्री योग की कोई रखी हुई है और ग्वाल बालों में ऐसा भाव पैदा हो गया कि अगर हमारा बाबा फिर जाके ले जाएगा तो सारा खा जाएगा। तो वहाँ लूट मार मचने लग गई, लूट मार मचने लगी, जो जाके हाथ में वस्तु आयु वहाँ लेके आया और आनंद मनाने लगा और चारों लग जय जयकार होने लगी गिरिराज बाबा। गिरिराज जी में इस पर्व की विशेषता सबसे ज़्यादा किस संप्रदाय और किस मंदिर में मनाई जाती है? मानसी गंगा श्री हरदेव गिरवर की प्रकम्मा देव पुण्य पुण्य चरणा मिले सबसे प्राचीन यहाँ जो धर्म स्थान है अखंड भूमंडलीय विष्णु स्वामी संप्रदाय निर्मल अखाड़ा खालसा पंथ श्री गोवर्धन पीठ ठाकुर श्री हरिदेव जी महाराज है। और इस गोवर्धन धाम के जो भी देवता है सबसे प्राचीन ऐतिहासिक ठाकुर हरिदेव जी महाराज हैं और उन्हीं के स्वरूप द्वारा इस गिरिराज पर्वत को धारण किया और गिरिराज धरण नाम पाया। तो आज जो भी हम इसे गिरिराज धरण कहते हैं तो वो ठाकुर हरिदेव जी महाराज का नाम है। इस ओर श्रद्धालु भक्त नहीं पहुंच पाते क्योंकि हमारे यहाँ की स्थिति ऐसी है, इतिहास से अवगत नहीं कराते, फर्जी और पाखंड पर ध्यान देते हैं। इसलिए श्रद्धालु भक्तों से यही है कि यह इतिहास है, इतिहास की ओर ये आदमी को अग्रसर होना चाहिए और वहाँ से ही आत्म शांति प्राप्त हो सकती है। क्या नाम आपका?
मेरा नाम है अमित गोस्वामी, मैं यहाँ का स्थानीय निवासी हूँ गोवर्धन का। अमित जी, आज गोवर्धन पूजा को लेकर देखा जा रहा है कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, क्या कुछ महत्व है गोवर्धन पूजा का? क्या कुछ जी? बिल्कुल, यहाँ गोवर्धन पर्वत का बड़ा ही अद्भुत महत्व है। एक रूप से पूजत रहो अपनो ही रूप बताए, ये कृष्ण भगवान ने कहा है कि ये सारा रूप मेरा एक ही है, मैं श्री कृष्ण और ये गिरिराज पर्वत, मैं ही हूँ कृष्ण गिरिराज और मैं ही हूँ कृष्ण। ये भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र के मान मर्दन से कन्नी उंगली पर 7 साल की अवस्था में पर्वत उठाया था, और पर्वत उठाने के बाद यहाँ के जितने भी ब्रजवासी जन थे उनको उस पर्वत के नीचे सहारा दिया और इंद्र के प्रकोप से उनको बचाया। और यहाँ तभी से सभी ब्रजवासी इस गोवर्धन गिरिराज पर्वत को पूजते हैं, तरह तरह के व्यंजन 56 भोग प्रकार के अन्नकूट सेवाएँ और यहाँ लगाते हैं। ऐसी मान्यता है यहाँ की कि गिरिराज जी को जो पर्वत को गिरिराज पूजा पे जिस दिन गिरिराज जी की पूजा होती है, यह आज का बड़ा विशेष दिन है। यहाँ जो भी श्रद्धालु भक्तगण लाखों की तादाद में यहाँ आते हैं, और आज के दिन जो श्रद्धालु भक्तगण यहाँ इस पर्वत को पूजन करते हैं उनकी मनोकामना की मनोती भी पूर्ण होती है। और यहाँ की जो विशेषता है, जैसे ही 56 भोग अन्नकूट का 56 भोग जिसमें बड़े ही अच्छे स्वादिष्ट व्यंजनों के साथ 56 भोग बनाया जाता है, जैसे बता दूं आपको कढ़ी चावल रोटी बाजरा अन्नकूट में ये सब चीज़ें आती हैं, मिष्ठान, बाकी ये तो एक महत्व ऐसा है, मान्यता भी ऐसी है इसकी यहाँ श्री कृष्ण की। और आपको बताऊं कि यहाँ जितनी भी लीलाएं श्री कृष्ण ने की थी वही ये गिरिराज पर्वत है। यहाँ स्वयं श्री कृष्ण ने 7 वर्ष की कन्नी उंगली पर कनिष्ठ उंगली पर इस पर्वत को उठाया था। यही वो पर्वत है जो सारी 21 किलोमीटर की 7 कोश की परिक्रमा में फैला हुआ है। इस पर्वत की भी काफ़ी विशेषताएं, यहाँ स्वयं श्री कृष्ण ने, ये देख सकते हैं यहाँ कृष्ण भगवान ने इसी पर्वत को अपनी कनिष्ठ उंगली पर उठाया था, और यहाँ सभी चिन्ह स्मृति कृष्ण भगवान ने स्वरूप में यहाँ बनाई हुई।